दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, भूलकर भी ऐसी पांच महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती, इसलिए आप भी जान लीजिए कहीं आप इन पांच महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों नवरात्रि हिंदुओं का एक विशेष पर्व है। नवरात्रि के शब्द का एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ है नवरात्रि। नौ रातों के 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि नवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्सव के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी भी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखे तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोध हो सकती हैं, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा कहने से देवी खुश नहीं होती। आपको जानकारी के लिए बता दें कि शादी दो दिलों का बंधन है जिसके बंधन में अधीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़ों को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़ों का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब आप बंधन में हो। खास तौर पर पति पत्नी अगर व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और देती है वरदान। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। दोस्तों नंबर 2, एक वैश्या को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और न ही कभी करना कौचकवरण। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वो महिला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती, यह व्रत आप कभी न रखें। दोस्तों नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह वगैरह, तो दोस्तों यह आप व्रत कभी न रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। दोस्तों नंबर 4, अगर आप किसी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागी भी बनते हैं। देवी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों नंबर 5, अगर आपको बार बार पर गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत वर्त पूरा पाठ करना है तो जीवन से मीठे बोल ही बोलें। अधिक से ज़्यादा कड़वी बोल माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पापी के बाप भागजात बन जाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं शेरा वाली माता आपके घर में स्थान बनाकर रहे तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दे अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।